नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीवी न्यूज में। ग्वालियर में लगातार ठगी के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, ग्वालियर में एक रिटायर्ड दरोगा एएसआई को ऑनलाइन बिजली अपडेट ना होने के मामले में ठगों ने ठग लिया। बिजली बिल ऑनलाइन अपडेट ना होने पर पहले कनेक्शन कट करने का डर दिखाया, फिर उसके बाद बिजली अधिकारी बनकर बिजली का समाधान बताया, जिसके चलते दरोगा से ऑनलाइन 10 रुपये ट्रांजेक्शन कराए और उसके साथ ही बाद में 39,000 रुपये का ट्रांजेक्शन करा लिया और 39,000 रुपये ठग कर ठग वहां से फरार हो गए। यह घटना मानिक विलास कॉलोनी सिटी सेंटर की बताई जा रही है। घटना का पता चलते ही रिटायर्ड दरोगा ने घटना की शिकायत एसपी ऑफिस में पहुंचकर साइबर सेल में की है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, जहां पर बताया जा रहा है कि ठगी का मामला लगातार काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ताजा खबरों के लिए बने रहें डीवी न्यूज में।